तो दोस्तों हम आ गए हैं फिर से लेकर के आप लोग के लिए फिजिक्स। फिजिक्स में जो है आप लोग एसएससी, जीडी, एमटीएस, ग्रुप डी इन सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। इनमें जो क्वेश्चन लिया गया है वह मतलब कि छांट के लिया गया दोस्तों, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो तुरंत आपके पास पहुँचे। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप लोग जुड़ के इनका जो पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम जो है आज के अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन रहा, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। हाँ, क्या होता है दोस्तों? तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। उबलने का जो बिंदु है दोस्तों वो क्या होता है? वह नीचे आ जाता है। तो चलते हैं हम दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग, कोणीय संवेग एवं क्या दोस्तों? रेखीय संवेग के अनुपात की बीमा क्या होगी? तो दोस्तों इसका जो अनुपात का बीमा होगा, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा टाइपिंग में जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है। एम डिग्री, एल सेल्सियस और टी डिग्री होता है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बर्नौली परिमेय आधारित है, बर्नौली परिमेय जो है दोस्तों, बर्नौली परिमेय वो आधारित है किस पे? तो ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे की कील पानी की सतह पर तैरती है, इन परिघटना का कारण क्या है? दोस्तों लोहे का जो कील होता है वो पानी की सतह पे तैरता है, तो यह पृष्ठीय तनाव के कारण यह घटना होता है। तो दोस्तों चलते, ये रहा दोस्तों आपका जो है अगला क्वेश्चन। बोल रहा है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता है। तो ब्लॉटिंग पेपर का जो है स्याही को सोखने में शामिल होता है क्या? तो होता है केशकीय अभिक्रिया परिघटन। क्या होता है दोस्तों? केशकीय अभिक्रिया परिघटन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? घट जाता है या बढ़ जाता है दोस्तों? तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो वो क्या होता है? बढ़ जाता है। जी का मान, ग्रेविटी का मान क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर का जो वजन होता है दोस्तों ध्रुव पे सबसे अधिकतम होता है। शरीर का वजन दोस्तों कहाँ पे अधिकतम होता है? तो ध्रुव पे सबसे अधिक होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर जितना लंबा छलांग लगा सकता है उतना चंद्रमा पे उससे अधिक लगा सकता है। यह मतलब क्या, क्यों ऐसा होता है? तो दोस्तों चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यधिक हो जाती है। पृथ्वी तल की तुलना में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक पृथ्वी को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। क्या होता है दोस्तों? भार बदलता है मगर द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब मालूम पड़ता है? मतलब दोस्तों कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा है उसको अपना भार कब मालूम चलेगा? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगा तब उसको अपना वजन का अनुभार पता भार पता चलेगा। तो चलते हैं दोस्तों आज का अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके यह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि न्यूटन का तीसरा लॉ है, धक्का दीजिए आगे बढ़ेंगे, तो वह क्या तीसरा गति है, तीसरा गति में ही यह बात बताया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन का ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए क्या कार्य लगता है? मतलब दोस्तों कोई 20 किलो का जो सामान है, वजनदार सामान है, जमीन के ऊपर 1 मीटर, मतलब कि हाथ से हम उसको 1 मीटर ऊपर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए क्या कार्य लगता है?
तो उसमें शून्यकार लगता है, शून्यकार लगता है दोस्तों, क्या लगता है दोस्तों, तो शून्यकार लगता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति जो है एक दीवार को क्या करता है दोस्तों, धक्का देता है, धक्का देता है पर उसे विस्थापन करने में असफल रहता है, तो वह क्या करता है, वो कोई कार्य नहीं करा, जब कोई काम ही नहीं हुआ, धक्का हम दीवार को दिए, दीवार हिला ही नहीं, टूटा नहीं, तो कोई कार्य नहीं हुआ। तो दोस्तों आज के लिए जो है इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर एक धमाकेदार सेशन में आते हैं। तो दोस्तों आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद।